हाय गाइस, आप लोगों का बहुत 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 स्वागत है। मैं यूट्यूब चैनल वापस अपने वीडियो देख चुके हैं, जिसमें हम वापस एक बार बात करेंगे अपने लॉर्ड्स मोबाइल के बारे में। तो आज हम लोग देखेंगे मेरे को जीरो होते हुए, मतलब मैं जीरो तो पहले ही हो चुका हूँ। आज उसकी मतलब कुछ रिपोर्ट्स वगैरह चेक करेंगे, कितनी मिलियन आर्मी थी, कितने डेड हुए और कैसे डेड हुए, कितनी रैली लगी और कितने सोलो अटैक्स लगे। तो अभी तो देख सकते हो मेरा अपना लीडर गया हुआ है कहीं पर घूमने, तो दो दिन बाद आ पाएगा, मतलब कैप्चर हो चुका है मेरा लीडर। उसके बाद मेरे पास इतनी आर्मी बची है जो कि मैंने हील की हुई है, और मतलब हील कर पाया हूँ जितनी आर्मी, और उसके बाद मैंने सेंचुरी वगैरह से निकाल के मेरे पास अभी इस समय इतनी आर्मी है। और क्या है, और क्या है, और क्या है, और ये है अपने पास बैटल रिपोर्ट्स, मतलब रिपोर्ट्स तो नहीं है, ये है किंगडम न्यूज़। तो देखो यार, लीडर जिस रैली लीडर ने अटैक किया था मेरे पे, वो तो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था नहीं, लेकिन उतना ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मतलब फुल चैंपियन मिथिक ऐसा कुछ नहीं है, मतलब चैंपियन मिथिक था लेकिन उतना भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। तुम समझ जाए, उसके स्टार्स देख के तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। तो मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं था, लेकिन उतना ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं था कि मेरे को हरा ना सके, ठीक है। और जब मैं ऑफलाइन हूँ तो बिल्कुल ऑफलाइन तो यार एक एक ब्लीन वाले जीरो हो जाते हैं। मैं तो फिर भी पता नहीं कितने माइट का था, वैसे बहुत ही कम माइट का था, मेरे को अभी याद भी नहीं है मैं कितने माइट का था यार पहले सच बताऊँ तो। तो मेरा लीडर ये रहा अपना, और ठीक है, ख़तरनाक मतलब जिसने कैप्चर किया है वो भी ठीक ठाक ही है। तो देखो यार, इन लोगों को इनके पास स्टार्स मतलब 30 के लगभग स्टार्स हैं, गियर्स भी अच्छे, मिथिक वगैरह हैं, तो कमज़ोर तो नहीं है। और अगर कोई भी ऑफलाइन है, और मेरा सही बताऊँ तो एंटी स्काउट भी ऑन नहीं था। मैं सच्ची बात बताऊँ क्या हुआ, मैं रहा था सो, ठीक है, उतने में मेरी शील्ड हट गई, और मैंने मतलब सोने से पहले मैंने शील्ड रिन्यू की नहीं थी, और जब वो हट गई तो उसके बाद तो क्या है तुम देख ही सकते हो, बस हट गई तो मैं भी, मेरी आर्मी भी फिर हटी गई। मेरे पास कुछ 13 मिलियन के ऊपर की आर्मी थी और एक बार में सारी की सारी जीरो हो गई। खैर, रैली सिर्फ दो लगी, और उसके बाद भी उन लोगों ने ऐसा नहीं कि रैली करने का ट्राई नहीं किया। उसके बाद जो अब दो रैली हो चुकी, जब मेरी आधे से आधा आर्मी डेड हो चुकी, तब मेरे गिल्ड मेट्स के पास थोड़ा दिमाग आया, या फिर ये बोल सकते हैं थोड़ा गिल्ड मतलब गिल्ड के रैली लीडर्स ऑनलाइन आए, उन्होंने लगाया अपना 100 का IQ, और फिर जो सामने से भी जो भी आ रही थी ना रैली, उन लोगों ने गैरिसन कर दिया मेरे को उनके लीडर के साथ। और फिर मतलब एक टाइप, जैसे कि मान लो तुम्हें सामने से सिर्फ कैलवरी आ रही थी, ठीक है, तो इन लोगों ने रेंज के साथ गैरिसन कर दिया। तो उसकी वजह से क्या है, जो रैलीज हुई मेरे को हिट ही नहीं कर पाई, और अगर रैली हिट ही नहीं कर पाई तो मतलब सिर्फ दो रैली ही लगी। और उसके बाद से जब मतलब ऐसा उन लोगों ने दो तीन बार ट्राई किया, और जब ऐसा मतलब काफ़ी नॉर्मल चीज़ है, मैं बताऊँ तुम्हें क्या हुआ। तो देखो यार, जब सामने से मतलब मान लो 2.3 मिलियन कैलवरी आ रही है, ठीक है, सामने से, और अगर तुम्हारे पास एक काफ़ी तगड़ा रैली लीडर, मान लो फुल मिथिक चैंपियन, मान लो मतलब समझ लो बहुत ज़्यादा तगड़ा, जो मतलब जैसे मान लो बैरन एरॉन में लड़ चुका है या कहीं पर भी है, मतलब ऐसा तगड़ा मान लो, ठीक है, अगर उसने अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ कैलवरी भेज दी, मतलब रेंज भेज दिया, तो ऐसा होता है कि कई बार वो मतलब हिट मतलब करती है हिट, बट उसकी जो गैरिसन होती है ना वही हरा देती है पूरी 2.3 मिलियन आर्मी, मतलब 2.6 जितनी भी सामने से मिलियन आर्मी आ रही हो, बट बस मेन एक चीज़ मांगता है कि उसको काउंटर कर लो सही टाइम पे तुम। तो वो उसके बाद इन लोगों ने काउंटर करना स्टार्ट किया जब दो रैली हो चुकी, तो जब से काउंटर करना स्टार्ट किया तब से वो लोग रैली हिट तो नहीं कर पाए। जब वो रैली करते करते हार मान गए, मतलब जैसे कि एक बार रैली की वहाँ से कैलवरी आई, इन लोगों ने मतलब अपने मेरे को गैरिसन कर दिया रेंज से, ठीक है, तो उसके बाद मतलब समझ गया क्या क्या बोलना चाह रहा हूँ, मतलब जैसे ही हिट किया तो उसकी गैरिसन नहीं, मतलब हमारे साइड से जिसने भी गैरिसन किया मेरे को, उसकी गैरिसन ने एनिमी की वो कैलवरी को हरा दिया, तो मतलब मेरी आर्मी से उसका कुछ मुकाबला ही नहीं हुआ, तो मैं सेफ हो गया। दूसरी बार भी किया, दूसरी बार उन लोगों ने मान लो इन्फेंट्री भेजा, यहाँ से वो कैलवरी गैरिसन कर दिया गया, तो फिर मेरी कैलवरी मतलब मेरे मान लो जिस भी रैली लीडर ने मतलब मेरे गिल्ड के मेरे को गैरिसन किया होगा, उसके अपना वो क्या था यार गैरिसन की उसके गैरिसन ने सामने के एनिमी वाली जो रैली आ रही थी उसको हरा दिया। तो ऐसे दो तीन बार हुआ, तो उसके बाद वो लोग जान गए रैली से तो नहीं अब मेरे को जीरो कर पाएंगे, मतलब तो उसके बाद उन लोगों ने सोलो अटैक करना स्टार्ट किया। तो देखो यार, सोलो अटैक तो फिर मतलब अब एक एक करके सबने ही करना स्टार्ट किया, तो कुछ तो ऐसे फर्जी वापे में लोग मतलब बहती गंगा में हाथ धो गए। देखो मान लो सही मायने में लड़ाई चल रही थी कि मेरे को और सामने वाला गिल्ड, कौन सा गिल्ड था वैसे, चलो कोई तो गिल्ड था, ठीक है, कुछ BS करके था या BK करके था, कोई तो गिल्ड था, ठीक है, अभी थोड़ी देर में अपने आप ही दिख जाए। तो उससे बीच में बहती गंगा में T2P मतलब एक और गिल्ड, अच्छा स्ट्रॉन्ग गिल्ड था उस टाइम, तो उस टाइम उसने भी हाथ धो लिया, मतलब सोलो अटैक जब कर ही रहे थे सब, तो उसने भी सोलो अटैक कर दिया, उसने क्या, तो इसकी वजह से अच्छे आराम से मैं जीरो हो गया। तो ये है अपना दूसरी रैली, और देख सकते हो मेरा मोरल कितना जल्दी डाउन हो रहा है, और उसके दो रीज़न है। देखो जैसे कि मैं बताया, मैं सो रहा था, तो मतलब सो क्या रहा था, मतलब मेरी शील्ड एकदम से हटी है, अब तुम भी जानते हो यार, जब तुम सो रहे होगे या फिर शील्ड जब हटेगी तो तुम्हारा एंटी स्काउट तो ऑन होगा नहीं, मतलब फ्रंट लाइन उन लोगों को तुम्हें मतलब सामने वाले को मालूम है, ठीक है। अब दूसरी बात, तुम ना अपने वॉर गियर्स में हो। तीसरी बात,
ना तुम अपने वॉर टैलेंट्स में हो, तो मोरल तो यार डाउन होगा ही होगा, अब कितनी भी आर्मी हो तुम्हारे पास यार, अब मतलब ये तीनों चीज़ें नहीं है। अगर देखो सामने से अगर कुछ भी होता, मतलब थोड़ा बहुत भी होता ना, मतलब अगर मेरे पास वॉर टैलेंट्स होते और मतलब ये तीनों चीज़ें, मतलब मैं अगर मैं ऑनलाइन भी ना होता ये तीनों चीज़ें एक्टिव होती, तभी पहली रैली उतना ज़्यादा मतलब मेरे को नुकसान नहीं दे पाती, क्योंकि यार पहले तो उनको फ्रंट लाइन इतनी जल्दी पता नहीं कर चलते, मतलब उसका भी एक टेक्निक होती है पता करने की, तो उससे पता चल जाती है। बट ठीक है, मेरे को इतना अपने गिल्ड मेट्स पे भरोसा कि वो गैरिसन या रिइंफोर्समेंट करके कुछ पता नहीं लगने देते, लेकिन अब तीनों ही चीज़ें नहीं थी तो यार मेरा जीरो होना तो तय था। तो देखो यार दूसरी हिट में भी अच्छा खासा लॉस हुआ, और यार जैसे ही दूसरी हिट हिट करी ना, तुरंत इन लोगों को लग गया था कि अब तो सोलो भी हो सकता है मेरे को, मतलब रैली इन लोगों ने ट्राई किया, ऐसा नहीं ट्राई नहीं किया, लेकिन जब रैली के फेल हो गई तो सब ने इकट्ठे सोलो भी अटैक करने का ट्राई किया, अटैक कर ही दिया, मतलब ट्राई करना तो नहीं बोलेंगे उनको, तो अटैक जब कर ही दिया था, तो अब जब मैं जिसकी बात कर रहा था कि बहती गंगा में हाथ धोने के लिए टू टू पी भी आ चुका था तब तक, और यहाँ पे इसने बहुत अच्छा खासा लॉस दे दिया, मतलब बहुत ज़्यादा ही दे दिया, मतलब इतना, मतलब अगर इसने हिट नहीं किया होता तो आई थिंक मेरे को थोड़े से ज़्यादा किल्स मिल जाते, बस थोड़े से ही ज़्यादा मिलते, मतलब 100-200 के ज़्यादा मिल जाते अभी जितने भी मिले, लेकिन देख सकते हो यार 35 स्टार्स और फुल मिथिक, और मैं तो वही ठीक है 2 करोड़ के मेरे गियर्स मॉन्स्टर हंट वाले, वो भी जो गिल्ड फेस्ट से मिले हुए हैं। और देखो यार उसके बाद यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे जैसे कि इस चीज़ की मैं बात कर रहा था, अगर उसने हिट इतना ज़्यादा मतलब मेरे को डैमेज नहीं दिया होता तो मैं यहाँ पे आई थिंक कैप्चर कर सकता था इस अटैक को, और अगर कैप्चर कर लेता तो मेरे पास एक लीडर आ जाता। और एक बात और यार, और अगर मैं ऑनलाइन होता ना तो मेरे पास एक दिमाग में अभी मेरे को और बात आई जब मैंने लीडर बोला, अगर मैं ऑनलाइन होता तो यार एक लीडर मैं एग्जीक्यूट भी करता, मेरे पास लाइसेंस टू किल भी पड़ा हुआ है जो कि मेरे को किंगडम टाइकून से मिला था, और मैं एक लीडर अपनी प्रिजन में भी रखता, तो फिर मैं मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मेरे पास इतनी आर्मी होने के बाद मैं रैली लेता तो मेरे को मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा श्योर हूँ मैं कैप्चर कर लेता, लेकिन हो सकता है मैं कैप्चर कर लेता, लेकिन मैं इस बात पे तो श्योर हूँ कि मैं जीत तो सकता था यार इसके, मतलब अगर ये रैली लीडर मेरे को इतनी आर्मी में करता तो आई थिंक मैं जीत सकता था यार, क्योंकि मतलब इतने मतलब देखो 5 मिलियन का ब्लड बात हुआ जब मैं किसी में कुछ नहीं था, अगर मैं आई थिंक सब में होता तो आई थिंक मेरे सिर्फ 2.3 मिलियन या 3 मिलियन तक, नहीं 3 मिलियन ज़्यादा ही बोल दिया, 2.3 या 2.5 मिलियन तक ही मेरी आर्मी मरती, और आई थिंक मैं जीतता, मेरे को ऐसा लगता है। और उसके बाद से यार इन लोगों ने जो सोलो अटैक करने स्टार्ट किए, कुछ ने बहुत तगड़ा डैमेज दिया है, कुछ ने बहुत ही मतलब बेकार डैमेज दिया है, कुछ को तो मैं मुझे शर्म आ गई इतना बेकार डैमेज खाने के बाद, लेकिन हाँ इसने जो मेरे को डैमेज दिया देख सकते हो यार 1 मिलियन के ऊपर डेट्स डायरेक्ट एक सोलो हिट में, मतलब समझ रहे हो तुम इतना खतरनाक, इसने बहुत तगड़ा डैमेज दिया यार मेरे को, एक टी टू पी ने अच्छा खासा डैमेज दिया था और एक इस भाई ने मतलब बहुत ही तगड़ा डैमेज दिया था, वैसे ये भी स्ट्रांग प्लेयर है, कैलवरी अटैक किया था होगा फुल, और देख सकते हो उसके बाद लास्ट हिट तो बस यही थी यार मेरी, लास्ट हिट में मेरा लीडर ही चला गया, लास्ट हिट में खैर ज़्यादा कुछ मेरे पास बचा भी नहीं था, तो बस यार फाइनली एंड की जाए वीडियो, और बस यही दिखाना था यार कि मैं कैसे जीरो हुआ, बैटल रिपोर्ट्स वगैरह दिखानी थी वो लगभग मैंने सब दिखाई दिया, अब तो काफ़ी टाइम हो गया मेरे को जीरो हुए, अब यार एक तरह से मतलब पहले यार क्या था कि मैं बहुत डर डर के रैली फील करता था कि यार रैली ना हो जाए एक दो बार, क्योंकि रैली हो भी चुकी है जब मैं ऑनलाइन था तब भी, तो अब यार अब तो क्या मैं ओपनली फील करता हूँ, अब तो क्या भाड़ में जाए दुनिया मार लो कितना ही मार पाओगे, वैसे मैं मेरे पास उतनी आर्मी बची है अब जब जितनी मैं हाइड कर सकता हूँ। और तुम्हें एक मजे की बात और बताऊँ, इसके बाद भी मेरे पास 2 मिलियन आर्मी जो बची थी ना, ये सब मिला के 2 मिलियन के ऊपर ही हो गया अगर सही से देखा जाए, ये भी एक बार जीरो हो चुकी है, खैर लेकिन वो सोलो अटैक में ही जीरो हो गई थी तो उसमें ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए था नहीं, लेकिन ये मैं मतलब एक बार सच्ची बात बताऊँ मैं वापस से एक बार शील्ड भूल गया था अपनी, तो 2 मिलियन एक बार और मतलब ये जो रैली हुई उसके बाद मेरे पास जितनी भी आर्मी बची मैंने थोड़ा 1-2 दिन वेट किया, 1-2 दिन के बाद मैंने सारी अपनी आर्मी रिकवर कर ली थी, तो उसके बाद दो दिन या ऐसे कुछ 3-4 दिन होंगे आप मतलब मान लो तो मैं 1 हफ्ता मोटा मोटा मान लूँ, ठीक है तो 1 हफ्ते बाद मैं मेरे पास 2 मिलियन वापस से मैं आर्मी जोड़ पाया, 2 मिलियन आर्मी वापस एक बार में खर्चा हो गई, मतलब एक बार में डेड हो गई, तो खैर वो तो खैर चलता रहता है, ट्रूप्स आर मेड टू डाई वो तुमने सुना होगा, वैसे दिल से बहुत दुख होता है लेकिन यार ठीक है अपन कुछ नहीं कर सकते, गलती मेरी थी मैं ही भूल गया था, तो फाइनली अब एंड कीजिए वीडियो, बस यार मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा सी यू।